तो हम पी एच सी ला में है और ये कुछ दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं और ये सारी की सारी एक्सपायर हैं आप इन पर डेट भी देख सकते हैं ये एक्सपायर यहाँ पर आपको मैं थोड़े से दिखा रहा हूँ बाकी इस तरह का ये इधर से ही हमने ये निकाली है और यहाँ पर आप भी ये दवाइयाँ आप देख सकते हो कि सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी ये मेडिसिन पड़ी हैं ये एक्सपायर हैं इनमें से ज़्यादातर तो सारी एक्सपायर हैं और कुछ हैं अभी भी जिनकी डेट है जैसे ये देखिए आई ड्राफ है इसकी अभी बारह दो हज़ार तेईस तक इसकी डेट है लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो कुछ मेडिसिन मिलेंगी वो एक्सपायर हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि इतनी बड़ी पी एच सी को यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो बनाया गया था कि लोग यहाँ पर आए लोग यहाँ पर आके अपना इलाज करा सके और इसी के साथ साथ मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं कि सरकार की तरफ से बायोमेट्रिक मशीन जो है वो लगाई गई है ये बायोमेट्रिक मशीन है जहाँ पर अटेंडेंस लगाई जाती है सुबह और शाम के समय जब एक डॉक्टर की छुट्टी हो जाती है तो ये बायोमेट्रिक मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं दिखेगा अगर मैं आपको डॉक्टर्स की बोर्ड की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर बोर्ड में जिन डॉक्टरों का नाम लिखा है लगभग दस डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं इस पी एच सी को देखने के लिए दस डॉक्टर अवेलेबल यहाँ पर होने चाहिए मगर उनमें से एक भी डॉक्टर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा अगर मैं टाइम की बात करूं तो तीन बजकर अठतीस मिनट हुए हैं और आज तारीख है छ जून छः जून यहाँ पर तारीख है और तीन बज के उनतीस मिनट यानी चालीस मिनट यहाँ पर हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए ताकि अगर कोई भी एमरजेंसी यहाँ पर आ जाए तो डॉक्टर पेशेंट को चेक कर सके मगर आ, हालत ही कुछ इस तरह की है कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फिर चलिए अब हम ये भी मान लेते हैं कि, कि अगर किसी की डेथ हो गई तो सभी डॉक्टर वहाँ पर क्यों चले गए ये सवाल है एक आधा चला जाता वो अलग बात थी क्योंकि अगर कोई एमरजेंसी यहाँ पर आ जाए तो डॉक्टर का काम है उस पेशेंट को चेक करना ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर ला है

नहीं डॉक्टर साहब तो ड्यूटी पर आज मसला बन गया सर इससे पहले कभी बायो इस, बायो ऐसा बायो मसला नहीं, ही नहीं, नहीं हुआ सर हाँ जी मशीन है तो उस पे एक लगा हाँ जी है? नहीं नहीं अटेंडेंस तो लगाने नहीं ड्यूटी आएंगे तो लगाएंगे अटेंडेंस अच्छा हाँ जी तो यहाँ पर दस बंदों का स्टाफ है जब कोई इमरजेंसी हो जाए फोन करना पड़ता है उनको सर जब कोई ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो फोन पर पूछना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं वो बता देते हैं आपको क्या करना नहीं वो खुद भी आ जाते हैं हाँ जी हाँ जी